हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बेटा, हम ऑडिटिंग का जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वाउचिंग। बेटा, इससे पहले ना हमने जो एक चैप्टर किया था उसमें हमने ऑडिट का टॉपिक किया था। ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको उस चैप्टर में भी बताया था कि ऑडिट प्रोसेस के बारे में, वहाँ से आप पढ़ सकते हो कि जो आपका सेकेंड पार्ट है बुक का, उसमें ऑडिट प्रोसेस ही है। तो उस ऑडिट प्रोसेस को कैसे किया जाता है सारा काम प्रैक्टिकली, वो सारा जो है आपका सेकंड पार्ट में है ऑडिटिंग के। तो आज उसमें से हम वाउचिंग का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो ऑडिट प्रोसेस है, जिसमें हमने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, बुक्स रिकॉर्ड चेक की जाती हैं, ताकि जो अकाउंट्स है वो प्रॉपरली मेंटेन किए गए नहीं हैं, उसके बारे में ऑडिटर है जो रिपोर्ट तैयार कर सके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाउचिंग की। तो कहता कि जो ऑडिटिंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ऑडिटर क्या करता है, सारे एविडेंसेस, प्रूफ्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी में है उन सबको चेक करता है और उनकी एक्यूरेसी चेक करता है कि उन जो एंट्रीज की गई हैं उनके बिहाफ पे की गई हैं या नहीं की गई। ठीक है, तो रेगुलरली इनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। तो वाउचर, पहले तो वाउचिंग से पहले हमें पता होना चाहिए वाउचर क्या होता है। बेटा, आपने जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थी तब उसमें भी आपने किया था कि वाउचर्स बनाए जाते हैं। वाउचर्स जो हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को पास करने के लिए। तो वाउचर इज़ ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इंक्लूड बिल, रसीट, रिक्विजिशन फॉर्म, एग्रीमेंट, डिसीजन, ऐसा कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जो उसका एविडेंस हो, प्रूफ हो कि ये डिसीजन लिया गया था या इस ट्रांजेक्शन को इसलिए पास किया गया था। तो उसको हम बोलते हैं वाउचर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है किसी ट्रांजेक्शन का, उसको हम वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर्स हैं जो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी वाउचर होते हैं बेटा, एक कोलेट्रल वाउचर्स होते हैं। प्राइमरी वाउचर्स वो वाउचर्स होते हैं जो ओरिजिनल वाउचर्स हैं। प्राइमरी वाउचर्स आर ओरिजिनल एविडेंस इज़ द प्राइमरी वाउचर। कोलेट्रल कॉपीज़ ऑफ द एविडेंस जितनी भी होती हैं वो कोलेट्रल वाउचर्स हैं। अगर आपको किसी से कॉपी मिली है उस डॉक्यूमेंट की तो वो कोलेट्रल वाउचर माना जाएगा। तो ये थे वाउचर्स। वाउचर्स होते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो वाउचिंग क्या होता है बेटा, वाउचिंग इज़ द एक्ट ऑफ चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स एविडेंस टू डिटरमिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स इज कॉल्ड वाउचिंग। तो क्या है, चेकिंग करना कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उनकी उनकी ऑथेंटिसिटी है, जो ट्रांजेक्शन पास की गई हैं वो उस वाउचर्स के अकॉर्डिंग की गई हैं या नहीं। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहना चाहें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द ट्रूथ। हम ट्रूथ को जो है वो चेक कर रहे हैं कि टेस्ट कर रहे हैं कि सही है इन्फॉर्मेशन या नहीं। इट इज़ अ टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये क्या है, टेक्निकल टर्म है जिस जो कि इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स से रिलेटेड है, जिसमें हम बुक्स की जो है इंस्पेक्शन है जो कर रहे हैं। तो एक डेफिनेशन दे रखी है बेटा डिक्सी की, वाउचिंग कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयर ऑफ। तो वाउचिंग क्या है, कंपेयर करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कि वो सही तरीके से आपस में मैच कर रही हैं या नहीं, जो एंट्रीज हैं उनको प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। ये था बेटा वाउचिंग होता क्या है। इसके बाद इसकी हैं कुछ फीचर्स। तो क्या है वाउचिंग में, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किया जाता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किया जाता है वाउचिंग में। ये चेक करता है एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को। इट ये बेसिस है ऑडिटिंग का, क्योंकि ऑडिटिंग इसी बेसिस पे होएगी, वाउचिंग के बेसिस पे भी। ये चेक किया जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन है जो वो फॉलो हो रही हैं जो नहीं वाउचिंग में। ये एक टूल है जिसके थ्रू एरर्स एंड फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके थ्रू चेक किया जा सकता है ऑल ट्रांजेक्शन्स जो पास की गई हैं रिकॉर्ड्स में। ऑल द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स आर थॉरली डिटेल्ड में चेकिंग हो सकती है वाउचिंग के थ्रू। ठीक है, ये वैलिड ग्राउंड प्रोवाइड करता है ऑडिटर को अपना ओपिनियन देने के लिए कंपनी के बारे में। इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ द रिकॉर्ड जो मेंटेन किया गया है क्लाइंट्स में, उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उनको कंपैरिजन में हेल्प करता है। वाउचिंग एक लेंथी प्रोसेस है और ट्रांजेक्शंस है थॉरली एग्जामिन की जाती हैं इसमें। वाउचिंग है जो प्राइमरी नेचर में कंपेयर करता है ऑडिट को, ऑडिट के लिए बहुत हेल्पफुल है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इसके बिना हो ही नहीं सकती, वाउचिंग के बिना। वाउचिंग कैन बी डन फॉर कैश एज वेल एज फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दोनों की तरह तरह की ट्रांजेक्शंस के लिए होता है, चाहे वो कैश नेचर की ट्रांजेक्शन है या वो क्रेडिट नेचर की ट्रांजेक्शंस हैं, दोनों तरह की ट्रांजेक्शंस के लिए किया जाता है। इसके बाद आपके पास हैं बेटा ऑब्जेक्टिव्स टू नो ट्रूथ ऑफ ट्रांजेक्शन। किसके लिए, कि ट्रांजेक्शन की सच्चाई है जो उसको देखा जा सके, ट्रूथ है जो ट्रांजेक्शन हैं वो सही हैं या
नहीं, दूसरा टू डिटेक्ट फ्रॉड्स, अगर कोई फ्रॉड्स हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वन है टू फाइंड आउट मिसिंग ट्रांजेक्शन, अगर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो भूल गई हैं, जो रह गई हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स को ढूंढा जा सके जो मिस रह गई हैं। नेक्स्ट टू फाइंड फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो ट्रांजेक्शन फिक्टिशियस तौर पे डाली गई हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उनको रिकॉर्ड किया गया है, तो फ्रॉड के मकसद से उनको फिक्टिशियसली दिखाया गया है। टू मेक श्योर पर्सनल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, बंदे की जो पर्सनल है जिसको हम ड्राॅइंग्स बोल देते हैं, कहीं उन ट्रांजेक्शन्स को तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसको भी चेक करना एक मकसद है वाउचिंग का। तो ये थे वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। इसके बाद बेटा आपके पास है टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग और गाइडलाइंस क्या है वाउचिंग के लिए। फर्स्ट ऑडिटर है उसको कंपेयर करना चाहिए कि डेट ऑफ वाउचर एंड डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है वो क्या है दोनों में। ऑडिटर शुड कंपेयर द वर्ड्स एंड फिगर्स, में सेम अमाउंट डाली गई है या नहीं, शब्दों में और मैथमेटिकल फिगर में जो डाली गई है वो सेम अमाउंट है या नहीं। साथ में ऑडिटर चेक करता है करना चाहिए वेदर ऑल द ट्रांजेक्शन आर प्रॉपरली अरेंज की गई हैं या नहीं। ऑडिटर शैल मेक श्योर ऑल द वाउचर्स आर पास्ड बाय अथॉरिटी के थ्रू पास की गई हैं या नहीं, ठीक है। ऑडिटर शैल मेक श्योर ऑल ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू द बिजनेस एंड नो ट्रांजेक्शन पर्सनल नेचर की उसमें रिकॉर्ड ना की गई हो। ओवरराइटिंग अगर की गई है तो उसको नहीं एक्सेप्ट करना, अगर ओवरराइटिंग हुई है तो उसको ऑथराइज ऑफिसर के थ्रू साइन किया गया, ठीक है। इफ़ रिक्वायर्ड तो वाउचर्स हैं जो वो स्टैम्प्ड किए गए होने चाहिए, जो ऑडिटर है वो जो वो टेक केयर के कोई कैंसिल वाउचर किए गए हैं तो उनको डबल काउंटिंग ना गई की गई हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीमेंट्स कॉरस्पॉन्डेंट एंड अदर रेलिवेंट पेपर्स है जो वो गैदर कर सकता है। एंड ऑडिटर शैल टेक नोट ऑफ मिसिंग वाउचर, अगर कोई है तो उसको तैयार करना है ताकि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मांग सके। तो ये थी बेटा आपकी टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग या गाइडलाइंस क्या हैं वाउचिंग करने के लिए, किन किन बातों का जो ध्यान है वो रखना चाहिए। तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है बेटा दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, क्या फ़ायदे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या यूजेज हैं वाउचिंग के। तो वाउचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हम कह रखे हैं क्योंकि हम इससे ऑथेंटिसिटी एक्यूरेसी रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है जो उनको चेक करते हैं। तो वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है कि ये बैकबोन है, रीड की हड्डी है ऑडिटिंग की, इसके बिना ऑडिटिंग जो है पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना चाहते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चेक करने मस्ट हैं। सेकेंड है वाउचिंग इज़ द असेंस ऑफ ऑडिटिंग, जो वाउचिंग है वो ऑडिटिंग का असेंस है, निचोड़ ही ऑडिटिंग का वाउचिंग है। क्योंकि अगर आप ऑडिटिंग करना चाहते हो, अपना ओपिनियन रिपोर्ट तैयार करना चाहते हो कंपनी के बारे में, उसके अकाउंट्स के बारे में, तो आपके पास एक ही हल है कि आप क्या करो, वाउचिंग करो। जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ऑर्गेनाइजेशन में उनको ट्रांजेक्शन्स के साथ मैच करके चेक करो कि उनको सही रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। थर्ड, वाउचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर एविडेंसेज आर करेक्ट और नॉट, और क्या देखना कि वाउचिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि ये देखना कि जो एविडेंसेस तैयार किए गए हैं वो सही एविडेंस हैं या नहीं। सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को ही नहीं चेक करना, ये भी देखना कि जो वाउचर्स तैयार किए गए हैं वो भी सही हैं या नहीं। उसके बाद है सम अदर फैक्टर्स, और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रॉपर अकाउंटिंग में हेल्प करता है, जेन्युइननेस ऑफ अकाउंटिंग है जो उसको चेक करता है, रेलिवेंस हैं ट्रांजेक्शन या नहीं उनको चेक किया जा सकता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम को प्रॉपरली अलोकेट किया गया है कि नहीं उसको भी इससे चेक किया जा सकता है, प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, रूल्स प्रिंसिपल को वो भी कर सकते हैं इससे चेक, एरर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो अथॉरिटी है बुक्स ऑफ अकाउंट की, उसमें जो सिग्नेचर की अथॉरिटी है, इस पर पर्टिकुलर पर्सन से पास कराए गए हैं बिल वगैरह या नहीं, उसको चेक कर सकता है। और ये डिस्क्लोज करता है कि जो रिकॉर्ड्स मेंटेन गए हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलती है। तो वाउचिंग जो है वो मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटिंग, ठीक है जी। उसके बाद बेटा आता है कि वाउचिंग जो होती है वो दो तरह की, इसमें आपको एक्सप्लेन की है, एक वाउचिंग ऑफ कैश बुक और कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, एक है वाउचिंग ऑफ जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं परचेज सेल से रिलेटेड, क्रेडिट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनसे रिलेटेड। तो हम फर्स्ट कर रहे हैं वाउचिंग ऑफ कैश बुक और कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो कैश बुक जो है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, रिसीट एंड पेमेंट साइड होती है, हमें पता है डेबिट एंड साइड को रिसीट साइड, क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड बोलते हैं, लेकिन उसमें मिस अप्रोप्रिएशन के, फ्रॉड के, धोखाधड़ी के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो इसके लिए जनरल गाइडलाइंस क्या हैं जब आप वाउचिंग करते हो, इट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन्स को कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए क्या एविडेंस प्रूफ हैं जो लगते हैं, उसके बारे में डिटेल में किया। जर्नल सा टॉपिक है, आप पढ़ के भी इजिली कर सकते हो बेटा इसको। तो जर्नल गाइडलाइंस में क्या लिखा है, वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन में
ऑडिटर शेल रिक्वायर कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये देखना है उसने, उसके लिए गाइडलाइंस हैं। दूसरा ऑडिटर है कि उसको टेस्ट कर लेना चाहिए, एक्सपेक्टेड रैंडम चेक करना चाहिए कुछ ट्रांजेक्शन्स को, ताकि उसको पता चल सके कि कितनी ऑथेंटिकेट है इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर है जो रफ कैश बुक को और जो कैश बुक मेन मेंटेन की गई है उसको कंपेयर कर सकता है। पे इन स्लिप्स जो बैंक में डिपॉजिट हम करा के आते हैं उसके बाद जो बची हुई स्लिप्स होती हैं पे इन स्लिप्स, उनके साथ उसको चेक कर सकता है। ऑडिटर शैल मेक श्योर BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के कैश बुक और पासबुक को चेक किया गया उसकी श्योरिटी देखता है। ऑडिटर शुड वेरीफाई कैश इन हैंड जो एक्चुअली है उसको काउंट कर सकता है कि वो आज के दिन का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑडिटर शैल मेक श्योर प्रॉपर कंट्रोल हैज़ बिन कैप्ट वाइल मेंटेनिंग रसीट बुक्स, जो रसीट बुक्स हैं पैसा रिसीव करने वाली बुक्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन किया गया हो इसको इंश्योर करेगा। द अनयूज पेमेंट एंड रिसीव्ड बुक शुड बी कैप्ट इन सेफ कस्टडी, जो चेक बुक्स हैं जो हमारी रिसीट बुक्स हैं उनको प्रॉपरली जो है वो सेफ गार्ड करना चाहिए, सिक्योरिटी के अंदर रखना चाहिए। तो इसमें हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहले हम वाउचिंग ऑफ रिसीट साइड की बात कर रहे हैं। तो वाउचिंग ऑफ रिसीट साइड है कहता बहुत मुश्किल है कि इसमें बहुत सारी एंट्रीज आती हैं और कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो भूल भी कई बार जाती हैं। तो सबसे पहले जो आता है रिसीट साइड पे आपकी अपने सारी कैश बुक है जो उसको एक्सप्लेन करना है एक तरीके का उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो रिसीट साइड में आपके पास क्या है, वाउचिंग में पहला ओपनिंग बैलेंस है, इट शुड मैच विद द बैलेंस शोन इन द जो ऑडिटेड बैलेंस शीट पिछले साल की है उसमें जो कैश का बैलेंस है उसके साथ मैच करना चाहिए आपका ओपनिंग बैलेंस। दूसरा है सब्सक्रिप्शन कंपेरिजन जो ना शैल बी मेड बिटवीन काउंटर फाइल्स ऑफ रिसीट्स जो आपके पास हैं और जा जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके साथ टैली करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंश्योरेबल क्लेम्स, कंपेरिजन करना कि जो कॉरस्पॉन्ड बुक्स में एंट्री की गई है और इंश्योरेंस क्लेम कितने के मिले हैं कंपनी को। रिसीप्ट फ्रॉम हायर परचेज, हायर परचेज एग्रीमेंट की सारी एंट्रीज चेक करना कि कितनी ड्यूरेशन के बाद इंस्टॉलमेंट्स आती हैं और उसका प्रॉपरली इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके रिसीव किया गया जा नहीं। नेक्स्ट है कमीशन की डिटेल्स, जो कमीशन रिसीव किया गया है उसकी रेट क्या था, उसका टाइमिंग क्या था, ठीक है, तो वो कमीशन के जो भी रिसीट के काउंटर फाइल्स हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर कोई एसेट सेल की गई है तो ब्रोकर को कितना चार्जेस दे दिया गया है, कौन ब्रोकर था, कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है, प्रॉफिट को कैपिटल आइटम्स में या रिजर्व कैटेगरी में कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट किया गया है या नहीं, तो इन सारी चीज़ों का उसने वाउचिंग ऑफ रिसीट साइड पर ध्यान देना है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं रिसीट साइड पे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की है उसको एग्जामिन करना, बिल्स रिसीवेबल हैं जो उनकी ड्यू डेट्स वगैरह चेक करना, अमाउंट में चोटी पे रिसीव की गई है जो नहीं, या जो बिल है अगर नहीं रिसीव हुए तो उनका क्या स्टेटस है, अगर कोई बिल को डिस्काउंट किया गया है तो उन बिल्स का जो है डिस्काउंटिंग करने के बाद बैंक के पास उसका रिसीव हो गया या उसका डिसऑनर हो गया बिल तो उसका जो काउंट करना। नेक्स्ट आइटम जो होती है रिसीट साइड पे दैट इज़ रेंट रिसीवेबल, तो रेंट रिसीवेबल में क्या आ जाता है कि अगर आप कोई भी लीज़ वगैरह पे आपने चीज़ें ली हुई हैं दी हुई हैं तो उससे अगर आपको कोई रेंट रिसीव हो रहा है तो कितनी अमाउंट ड्यू है लेसर की तरफ, कितनी रिसीव हो गई है, कैश बुक में कितनी रिकॉर्ड की गई है, ड्यू उसके पास कितनी थी, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, अगर आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हुई हैं तो उसका जो रिसीट बुक है उसको चेक करना, जो बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट वगैरह लिखा हुआ है, पासबुक में कितना इंटरेस्ट वगैरह पे किया गया और कैश बुक में कितना रिकॉर्ड है जो किया गया है, ठीक है, लोन वगैरह पे इंटरेस्ट, अगर आपने कोई एडवांस लोन दे रखे थे उस पे कोई इंटरेस्ट इनकम आई है आपको उस वो कितनी आई है तो उसको चेक करना। और क्या आइटम्स हो सकती हैं आपके रिसीट साइड पे, नेक्स्ट आइटम है कैश सेल्स हो सकती हैं, तो कैश ये सेल में सबसे ज़्यादा मिसअप्रोप्रिएशन और धोखाधड़ी के चांसेस रहते हैं, तो उसमें क्या करना, काउंटर फाइल सेल्समैन ने जो अपना सेल्स की हैं उसकी और कैश बुक को मैच करना आपस में। अब्स्ट्रैक्ट शुड मैच विद द एनालिसिस ऑफ कैश रिसीव, जितना कैश रिसीव किया गया है और जो अब्स्ट्रैक्ट समरी तैयार की गई है उनको कंपेयर करना, डिटेल्स ऑफ कैश रिसीव्ड एंड टोटलिंग ऑफ कैश बुक है जो उसको चेक करना। नेक्स्ट आइटम हो सकती है डेटर्स, जिनसे हम पेमेंट रिसीव करते हैं, तो उसके लिए इंटरनल चेक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, अनयूज्ड काउंटर फाइल्स जो हैं उनको सेफ गार्ड करके रखना चाहिए, अगर कोई रिसीप्ट स्पॉयल हो गई हैं जब उसकी काउंटर फाइल्स हैं तो उनको कैंसिल किया गया है या नहीं किया गया उसको चेक करना। नेक्स्ट आपके पास है इसमें वेरीफिकेशन ऑफ डेट्स वगैरह चेक करना, ठीक है, तो ये सारी आपकी जो है रिसीट साइड का हो गया कि रिसीट साइड की आप वाउचिंग है जो कर सकते हो। तो इसके बाद आपके पास है बेटा
पेमेंट साइड की, ठीक है जी, पेमेंट साइड की आप कैसे कर सकते हो वाउचिंग ऑफ पेमेंट साइड, तो उसमें दो तरह से इसने डिवाइड किया है। ए वाउचिंग ऑफ पेमेंट का सबसे पहले मोटिव तो ये है देखने का कि राइट पर्सन को, पार्टीज को पेमेंट की गई है कि नहीं, और बिजनेस पर्पस के लिए पेमेंट की गई है, कोई पर्सनल पर्पस के लिए तो नहीं गई गई, और तीसरा उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रॉपरली वो या नहीं। तो वाउचिंग में हम ये देखते हैं पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में भी हम अगर डिवाइड, इसी तरह हम रिसीट साइड को भी कर सकते थे, दैट इज़ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हो सकती हैं। इसी तरह पेमेंट साइड पे कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की आइटम हो सकती हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपकी कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, लाइक आपने पेटेंट्स वगैरह कुछ हैं जो ले रखे हैं, तो उसका ओनरशिप का डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, परचेज कंसिड्रेशन कितनी पे कर रही हो, कितनी फीस से उसको रिन्यू करना है, इन चीज़ों को चेक किया जाएगा। दूसरी चीज़ हो सकती है लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपने कोई परचेज़ किया है तो उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग ली है, वो उस पर फ्री होल्ड चार्ज तो नहीं है, किसको गिरवी तो नहीं रखा गया, लीज पे तो नहीं दिया गया, ठीक है, ऑक्शनर के रिकॉर्ड के आपने कितने में खरीदी थी, ब्रोकिंग चार्जेस कितने पे किए थे, तो उससे रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक करना। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कौन ब्रोकर था, कितनी ब्रोकरेज पे की गई, उसका क्या रिकॉर्ड रखा गया, न्यू इशू कितनी इन्वेस्टमेंट्स की गई है, उसके लिए इंस्पेक्शन लेटर क्या इशू की गई है, तो शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू की गए हैं, उसके बारे में सारी रिकॉर्ड हैं जो वो चेक करना। नेक्स्ट आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी है जो वो परचेज करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बिल्स और इन्वाइसिस है जो उनको चेक करना, ठीक है, हायर परचेज बेसिस पे की गई हैं तो इंस्टॉलमेंट कितनी पे कर रही है, डॉक्यूमेंट ऑफ ऑनरशिप है उनको चेक करना, ब्रोकर को ब्रोकरेज वगैरह कितनी पे की गई है, इन चीज़ों को चेक करना। नेक्स्ट आइटम है लोन्स, लोन्स अगर आपने एग्रीमेंट शैल बी इंस्पेक्टर, जितने भी लोन्स वगैरह दिए गए हैं वो ऑथराइज पर्सन के द्वारा दिए गए हैं कि नहीं, उसके बाद जो है सिक्योरिटी, उसमें रिसीट बुक है जो वो सिक्योरली सेफ की गई है कि नहीं, जो लोन्स वगैरह हैं वो डायरेक्टर वगैरह को अगर प्रोवाइड करे गए तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन दिए गए हैं या नहीं, ऑथराइज पर्सन को ही लोन है जो दिए जाने चाहिए, जो उसके द्वारा ऑथराइज ही होने चाहिए तभी लोन दे सकते हैं। तो ये थी आपकी कैपिटल नेचर की आइटम्स ऑन पेमेंट साइड जिनको चेक किया जाता है। उसके बाद आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर की आइटम्स हैं, लाइक है सैलरीज एंड वेजेस हो गई, तो उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं, डिडक्शंस कितनी की गई हैं, चेक्स के थ्रू कितनी पेमेंट की गई हैं, एनी चेंजेस अगर की गई हैं तो उनको वेरीफाई करना, नेम्स है वो भी मैच होने चाहिए, वेजेस सैलरी जितनी दी गई हैं वो ऑथराइज पर्सन के द्वारा मैंशन की गई हों, सेपरेट रिकॉर्ड हैं जो कैजुअल लेबर जो कभी कभी आती है उनके रिकॉर्ड किए गए हों, ठीक है, जो पेमेंट है ऑथराइज और राइट पर्सन के द्वारा सिग्नेचर करके वेरीफाई की गई है या नहीं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी एंड वेजेस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट आइटम आपके पास है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो कंपनी जो ज़्यादा है ट्रैवल सेल्समैन वगैरह के थ्रू सेल परचेज जो है सेल करवाती हैं गुड्स की, तो उनके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को कवर करना बहुत ज़रूरी है। वाउचिंग ऑफ चेक्स, कितने चेक्स हैं जो ट्रैवलिंग रिसीट्स के लिए दिए गए हैं, वेरीफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड फिगर में सेम अमाउंट है कि नहीं, ऑल द अनपेड ट्रांजेक्शन्स हैं जो उनको भी चेक करना। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या है, कवर नोट ऑफ न्यू पॉलिसी शैल बी इंस्पेक्टेड, ठीक है, न्यू पॉलिसी अगर है उसका कवर नोट है जो उसको इंस्पेक्ट करना, रिन्यूअल कितनी है रिसीट की उसको चेक करना, शेड्यूल ऑफ पॉलिसीज इफ नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं अगर लार्ज हैं तो उसके लिए क्या है। इसके बाद है बैंक चार्जेज एंड पोस्टेज, तो बैंक चार्जेस एंड पोस्टेज या सब्सिडरी बुक्स को एग्जामिन करना कि कितने बैंक चार्जेस या पोस्टल चार्जेस रिकॉर्ड किए गए हैं, अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है, इट शैल नॉट इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जो उसमें इंक्लूड ना किए गए हों, ठीक है। उसके बाद आपके पास है फ्रेट टैक्सीज एंड कमीशन, फ्रेट टैक्सीज एंड कमीशंस जो हैं वो पे किए गए हो सकते हैं, तो उनके बारे में रिकॉर्ड चेक करना कि कितने करियर्स वगैरह पे उनको पे किया गया है। उसके बाद आप एग्जामिन करोगे कि कॉपी ऑफ असेसमेंट है जो इसके साथ लगी हो, जितनी अमाउंट है जो मांगी गई है उतनी अमाउंट उसमें रिकॉर्ड की गई हो। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है जो पेमेंट से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट है जो की गई है या नहीं। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स फ़ी, अगर डायरेक्टर को कोई फ़ी पे की जा रही है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसकी परमिशन थी कि नहीं, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर चेक करना कि उनको डायरेक्टर वगैरह की, ठीक है, सीट है जो एग्जामिनेशन की वो चेक करना, रेजोल्यूशन है जो डायरेक्टर के रिगार्डिंग पास किया गया था या नहीं उनको चेक करना। नेक्स्ट है कैश परचेजेस, तो कैश परचेजेस में हो गया कि कैश बुक की कैश मीमो के साथ कंपैरिजन करना, चेकिंग वेदर गुड्स हैव एक्चुअली बीन रिसीव भी हुई हैं या नहीं, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया गया है तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड तो नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ें कैश परचेजेस में चेक की जाती हैं। नेक्स्ट आइटम आपके पास है पेमेंट टू क्रेडिटर्स,
तो क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट की गई है, मनी जितनी ड्यू थी उतनी दी गई है, रसीट को चेक करना, कंपैरिजन है जो उनका करना एक्चुअल अकाउंट्स और पेमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके साथ लगे हुए हैं या नहीं उनको चेक करना। नेक्स्ट आपके पास है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल को चेक करना कि कोई बिल्स पेबल है वो कैंसिल तो नहीं हो गए हैं, उनको चेक करना, इंस्पेक्शन करना सब्सिडरी बुक्स की कि कितने बिल उससे रिलेटेड हैं, अगर पेमेंट की गई है बैंक के थ्रू तो पासबुक को एग्जामिन करना। नेक्स्ट आइटम आपके पास जो पेमेंट साइड पे आती है दैट इज़ बेटा पेटी कैश। तो पेटी कैश में क्या है, इम्प्रेस सिस्टम शैल बी रिकमेंड करना चाहिए कि इम्प्रेस सिस्टम के थ्रू जो है पेटी कैश बुक मेंटेन की जाएगी, ठीक है, पेमेंट और कैशियर के साथ और कैश पेटी कैश बुक के बैलेंस को चेक करना, ठीक है, जो वाउचर्स हैं उनकी समरी है, जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसकी समरी को चेक करना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी उसकी चेक करना और टाइम टू टाइम जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको चेक करना ताकि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ जो है कैश की वो ना हो सके। तो ये बेटा जो आपका टॉपिक था सारा ना, इसमें आपने वाउचिंग में कैश बुक डिस्कस करनी है, कैश बुक की सारी रिसीट साइड उठा लो, कैश बुक की साइड पेमेंट साइड उठा लो, तो उन सबको आपने यहाँ पे डिस्कस करना है, जो जो आइटम्स हम डालते हैं कि उनकी जो चेकिंग है वो की जानी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, वाउचिंग बोलेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चेक करने को हम वाउचिंग बोलेंगे। तो आज का आपका टॉपिक था बेटा वाउचिंग ऑफ कैश बुक और कैश ट्रांजेक्शन्स, कल हम करेंगे ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स जो है उसके बारे में। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।